Hi guys, this is Ahmed Baloch and you are watching Voice of Balochistan. मैं बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हवरान से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जो बेसिक जो एजुकेशन है उन्हें वहाँ से ली है हवरान में, और उसके बाद फिर मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन म्यूट चामशोरों में बैचलर की है बीएफए, एंड देन आई एम डूइंग माय मास्टर फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, एंड आई एम आल्सो परफॉर्मर। एंड परफॉर्मेंस के दौरान तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आए हैं, क्योंकि एक क्लासिकल डांस और घुंघरू पहन के हमारी सोसाइटी में नाचना तो बहुत ही चुनौत है, कि पाकिस्तान में और ख़ासकर बलूचिस्तान में अगर कोई बंदा घुंघरू पहन के नाचे तो या चुनौत इसमें ही हाल है। सो क्लासिकल डांस जो है ना, मेरी समझो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, समझो मुझे खुशी भी देता है, मुझे गम भी देता है। और मुझे शायद याद भी है कि मैंने एक बार, मुझे बुखार हुई थी, तो उसी दौरान जब मैंने परफॉर्म किया था तो मेरी बुखार ही उतर गई थी, चंद्रवेर के इतना इम्पेक्ट करता है मुझ पर। आई रियली रियली सो थैंकफुल टू दोज जो जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं इस डांस फॉर्म को परसीव करूं, और ख़ासकर जो क्लासिकल डांसर्स हैं मैं उनका बहुत बेहद शुक्रगुजार हूं। क्लासिकल डांस की जब बात होती है, क्योंकि अब देखें बलूचिस्तान में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एज ए परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है एज ए क्लासिकल डांसर, और वो भी आई एम डूइंग सेमी क्लासिकल, डोंट वांट टू बी समवन सेमी एज ए कथक डांसर, बिकॉज के बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होते हैं कि एक कथक डांसर जो मूव कर रहे हैं उसके हैंड मूवमेंट एंड फुटवर्क, दैट्स व्हाई आई एम कॉल माई सेल्फ इज अ सेमी क्लासिकल डांसर। तो अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में तो ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर आप लाहौर देखें, लाहौर में तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं जैसे कथक डांसर, बीना जवाद जी हैं, नाहिद सिद्दीकी जी हैं और उमेर आरिफ हैं, और इतने बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पे क्लासिकल डांस के क्लासेस भी ले रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में भी ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हो जो क्लासिकल डांस को प्रमोट करें और फर्दर इसको अब जो नई जनरेशन है उस तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर देखा जाए ये तो बहुत सदियों से चला आ रहा है, ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ये तो मतलब तो हमारे रगों तक बसी हुई है। मैं तो नहीं कहता कि ये मुझ तक महदूद होनी चाहिए, हर उस बंदे तक पहुंचनी चाहिए जिसको डांस का शौक है, क्योंकि जब घर की दीवारें मजबूत होंगी तब जाके उसकी छत मजबूत होगी, वरना तो नहीं। I want to mention two performances in my life. One was in 2015 when I was performing in Karachi University. तो परफॉर्मेंस के बाद जब सोशल मीडिया में इतनी गालियाँ जो लोगों की तरफ से आई हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, आई डोंट नो वाई दे कॉल मी लाइक दैट पर्सन, वाई गाइस थिंक अबाउट मी कि आई एम अ ट्रांस, आल्सो इंसान है वो लोग, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए, बट आई एम नॉट ट्रांस बट आई एम एक्सेप्ट देम। और दूसरी बात जब मैंने परफॉर्म एनसीए में परफॉर्म किया था लास्ट टाइम, अभी जो फेस्टिवल हुआ था, तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन हुई। तो ये यानी कि दो परफॉर्मेंस है मेरी लाइफ में, मैं इनको कभी भूलना नहीं चाह रहा। डांस के हवाले से कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी का बच्चा डांसर बने या तो आर्ट से रिलेटेड कुछ करें, क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैं क्वेटा जा रहा था पढ़ने के लिए, तो मेरे भी पेरेंट्स कह रहे थे कि आप जाके मेडिकल पढ़ लें, वहाँ पे अब डॉक्टर बने ये बने, लेकिन मैंने कभी किसी की सुनी नहीं है, मैं तो अपने ही सुनता आ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ जो इंसान जब भी जो भी दिल में हो और जो दिल चाहे जो करना चाहें वही करें, क्योंकि वही जो दिल से निकलता है वही आपकी आवाज़ होती है, वरना जो जबरदस्ती आप पे बोझ बनती है वो कभी भी आपको अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी।
कंट्री को तो सोचना चाहिए, क्योंकि जब मुल्क सोचेगा तभी हवाम बढ़ेगी, नहीं वरना तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुल्क को, मुल्क के जो लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि आर्ट को फर्दर कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि वो आर्ट ही है जो इंसान की पहचान को बरकरार रखता है। क्योंकि अगर आप गार के दौर में लोगों के देखें, आप उनको उनकी रहन सहन, जो उनके कल्चर है और उनकी जो आर्ट है, उससे ही पहचानते हैं, वरना को उनकी कोई पहचान ही नहीं होती। इंसान तो हर कोई होता है और चला जाता है, उसके जाने के बाद जो बचता है तो वही होता है जो प्रिजर्व होकर रखा हुआ होता है। मैं तो कहता हूँ कि जितना काम यहाँ पे हो रहा है उतना ही बलूचिस्तान में होना चाहिए, जैसे कि आर्ट के हवाले से। वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आर्ट के नाम पे ही बनाओ। तो मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह के कॉलेजेस खोलने चाहिए बलूचिस्तान में अबाउट आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट आल्सो। दे थिंक कि उनके बच्चे ये भी कर सकते हैं। आई नो कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, बट दे आर नॉट ट्रेंड इज अ, जो पढ़े हुए लोग हैं उनके निस्बत में वो बहुत ही पीछे हैं मेरे ख्याल में। जो पढ़ेंगे, जो देखेंगे, जो इंस्टीट्यूटली एजुकेशन होगी, वो ज़्यादा मेरे ख्याल में पावरफुल होगी। मेरी यंग जनरेशन से यही गुजारिश है, जो अगर डांस करना चाहें तो प्लीज नाचें, क्योंकि नाचने को कोई मना नहीं करता। आप शादियों में नाचें, आप कहीं पे भी दरवाज़ा बंद करके अपने घर में नाचें, क्योंकि नाचना एक ऐसी मेडिटेशन है जो आपको आपके साथ लिंक करता है और आपको खुदा के साथ लिंक करता है। मैं तो यही कहता हूँ कि इट्स लाइक स्पिरिचुअल थिंग फॉर मी, कि एक कनेक्शन बना देता है कि आपका और आप जो खुदा के दरमियान एक कनेक्शन होता है, तो वो एक कनेक्शन बनती है। तो मैं कहता हूँ कि इसको फर्दर फर्सू करना चाहिए।